Forward faster. Okay, stop and get out. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं डांडेली, जो कि है बैंगलोर से अराउंड 474 किलोमीटर्स। सो हम लोग कल रात को निकले थे 12 बजे बैंगलोर से, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ शूट वहाँ पे किए नहीं, क्योंकि एक तो पूरा वहाँ पे रात था और अंधेरा था, तो ज़्यादा कुछ आएगा भी नहीं। तो हम इसलिए सोचे क्यों ना जाके कोई खूबसूरत सी लोकेशन में ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए, और इससे अच्छा कोई लोकेशन हो नहीं सकता था ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। सो आज का ये ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और हम लोग अभी जो टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 7 बज रहा है अभी, और हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं अराउंड 250 किलोमीटर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ से। अभी हमारा जर्नी जो बाकी है अराउंड 220 किलोमीटर्स बाकी है अभी। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, आपको डांडेली के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको कोविड रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो ब्लॉग को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से जाइए। So watch the vlog till the end and enjoy this beautiful location. सो फाइनली हम लोग आके अभी पहुंच चुके हैं हमारा जो आज का डेस्टिनेशन था, जो कि हमारा है डांडेली। तो डांडेली में हम लोग जहाँ पे रुके हैं उसका नाम है टाइगर कैंप, IPM रिजॉर्ट एंड टाइगर कैंप उसके अंदर है, जो कि मैं बताऊंगा इसका जो है इसका पूरा पैकेज के साथ हम लोग लिए थे टू डेज़ वन नाइट स्टे के लिए। उसके साथ आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 टाइम का आपको फूड मिलेगा स्टे के साथ। तो चलो फिर दिखाता हूँ आपको अंदर कैसा क्या सीन है इसका, कैंपिंग वगैरह कैसा है, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी उसके साथ है। और एंड में आपको बताऊँगा कि हमारा इसका लिए जो प्राइस पड़ा था, प्राइस हमको कितना पड़ा था, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो स्टे ट्यून गाइज। तो ये हमारा आज का टाइगर कैंप है इसका नाम, अगर आप डांडेली में आते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो IPM होटल टाइगर कैंप। और यहाँ पर ये इतने सारे यहाँ पर टेंट रखे हुए हैं, ये लंच डिनर जो भी एक्टिविटी वगैरह है उसका स्पेस है ये वाला। अभी टेंट ये सब अंदर है क्योंकि बारिश का टाइम है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लॉट्स भर रहे हैं अभी, तो इसके लिए टेंट यहाँ पे सब अंदर सब रखा हुआ है, ताकि बारिश में भी इसका जो ऑक्यूपेंसी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है टेंट का अंदर का सीन है ये, तो यहाँ पे आराम से 4 जन आपके यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पे और एक टेंट है, यहाँ पे टेंट है, ये हमारा किचन का ये है जहाँ पे हमारा अभी लंच बन रहा है। Thank you.
ये अभी हमारा जो रात का सीन है, तो देखो लाइट के हिसाब से कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। सेम रिजॉर्ट है, दिन का टाइम पे कैसा दिख रहा था, अभी रात का सीन है तो रात को कंप्लीट डिफरेंट दिख रहा है अभी। वाह मैन, सो ये पूरा टेंट वाला साइट है, तो यहाँ पे पूरा टेंट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाइट के साथ डेकोरेशन वगैरह किया गया है। आप देखो तो लाइट के साथ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया गया है और काफ़ी सही दिख रहा है ये सेटअप के साथ। सो राइट ना अभी साइकिल चला रहे हैं, जो कि साइकिल चला है ना बहुत दिनों के बाद आज साइकिल चला रहे हैं, बहुत दिनों छोड़ो बहुत सालों के बाद आज साइकिल चला रहे हैं। तो हमारा जो रिजॉर्ट है यहाँ पे, और एक एक्टिविटी ये भी है साइकिलिंग वाला, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह उठ के हम लोग अभी साइकिलिंग कर रहे हैं। तो हम लोग आके अभी पहुंचे एक्वा हाउस में, जहाँ पे कि हमारा जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह वाटर एक्टिविटी सब यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो पैकेज था उसमें इंक्लूडेड था हमारा कायकिंग, इंक्लूडेड था रिवर बोटिंग है, स्विमिंग है, और उसके साथ ही हम लोग सेपरेटली लिए हैं हम लोग अभी रिवर राफ्टिंग वाला। तो ये 4-5 गेम हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे, तो चलो देखते हैं फिर कैसा क्या गेम कैसे होता है क्या होता है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग गेम करने के लिए, तो थोड़ा एक्साइटमेंट बाहर जाके निकालते हैं अभी। सो यहाँ पे जो भी गेम्स है पूरा गेम्स का यहाँ पे पैकेज सब मेंशन है, आप एक बार देख लो यहाँ पे क्या क्या सब गेम्स है, ट्री क्लाइंबिंग से लेके कायकिंग तक, और उसके बाद रिवर राफ्टिंग में 3 टाइप का होता है, 6 एक है शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग, तो वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए वो लोग लेके जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरा यहाँ पे चार्ट है, चार्ट एक बार देख लो अगर यहाँ पे आने का है तो उसी हिसाब से आप प्लान भी बना सकते हो यहाँ पे आने के लिए। सर कायकिंग कर लो, कायकिंग यो। तो सबसे पहले वाला जो एक्टिविटी हम लोग करने जा रहे हैं वो है कायकिंग, तो कायकिंग यहाँ पे करते हैं पहले, 3 डिफरेंट वाला बोट लेके कायकिंग करेंगे, उसके बाद सेकंड गेम में जाएंगे। कर कर कर, जो टैलेंट है सब इधर ही दिखाओ आज। यो अबे रुक जा रुक जा, आजा इधर, आना आना, नमस्कार 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 नमस्कार, शांति। मनीषा भगा, पुलिस आ गया भगा। और यहाँ पे हो गया अभी एक्सीडेंट, और ये बन गया एक्सीडेंट जोन। तो दानिश कैसा लग रहा है अभी?
फटा पड़ा हुआ। चलो बराबर सब लोग थम के परखना है। स्टॉप बोले बार पैडलिंग स्टॉप बोले बंद में तुम बैठे मजाक करने का रहा तो उधर कुछ छोड़ उतार देना पे मजाक बोल रहे हैं मजाक करने का रहा तो उतारता बोल रहा तो ओ भाई भाई रहने दे ओ आगे बोलो स्टॉप बोले बार सब लोग थम के रखना है आपको पैडलिंग ठीक है ओके और कमान जो है किसी को हार्ट प्रॉब्लम अस्थमा प्रॉब्लम कुछ तो है नहीं हां नहीं नहीं सब फिट है लैपटॉप के लिए इसका नाम है काली रिवर सर माय नेम इज मुनीर पाशा आपको सब लोग को कमांड फॉलो करना है तो एंजॉयमेंट कर सकते हैं आप ये तो नहीं सब आउट हो रहेगा आ जाओ उसने बच्चे हैं रे देखो सब लोग पीछे देखो हाय करो हाय गाइस जोर से बोला हाय ओके एवरीवन रेडी ओके व्हाट इज द नेम ब्रो ज्ञान मनीषा मंदीप नालेश रोहन ओके रेडी रेडी हाउ इज द जोश हाय सर हाउ इज द जोश हाय सर बोलो काली मैया की जय बोलो काली मैया की जय बोलो भारत माता के जय Get back. Over faster. Okay, stop and get out. पीछे देखो भाई, पीछे आए बोलो, पीछे आए बोलो. Hello. पीछे आए बोलो भाई. Hi. सामने देखो, एडजस्ट देखो, फोटोग्राफर को देखो. सो फाइनली हम लोग आज यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो ये जो हमारा जो जर्नी था तो दो दिन का हमारा ट्रिप था, जो कि हम लोग जो पैकेज के साथ ही आए थे। तो ये जो हम लोग पैकेज बुक किए थे उसका जो हमें अमाउंट पड़ा था पर हेड पर ईच पर्सन हमें 1500 पड़ा था अमाउंट 1500। और उसके साथ हमारा 2 डेज 1 नाइट का स्टे था, उसके साथ 3 टाइम्स फूड था, और उसके साथ हमारा था वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह था और इंडोर एक्टिविटीज़ था। तो इंडोर एक्टिविटीज़ में हमारा कैरम था, आर्चरी था, वहाँ पे चेस वगैरह था और भी डीजे नाइट कैंप फायर वो सब था। और उसके साथ ही जो वाटर एक्टिविटीज़ हमें जो इंक्लूड हुआ था हमारे पैकेज में वो था हमारा कायकिंग था, बोटिंग था, जैकुजी बाथ था और था हमारा स्विमिंग था, रिवर स्विमिंग। तो ये 4 वाटर एक्टिविटीज़ था। तो उन चारों वाटर एक्टिविटीज़ को छोड़कर हम लोग सेपरेट जो लिए थे वो लिए थे हम लोग रिवर राफ्टिंग, जो कि उसमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रिवर राफ्टिंग का। तो ये सब हमारा एक्टिविटीज़ वगैरह ख़त्म हो गया, तो यहाँ से अभी निकलने का टाइम आ गया। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं अभी, फिर मिलते हैं जाके ऑन द रोड ऑन द वे। सो इस ब्लॉग को यहाँ पे इस खूबसूरत सी लोकेशन पे एंड करते हैं, जैसे कि हमको ये खूबसूरत सी लोकेशन में स्टार्ट किए थे। तो यहाँ से हम लोग अभी बैंगलोर निकल रहे हैं, तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वाले राइड पे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ बी सेफ टाटा बाय बाय एंड हस्ता ला विस्ता।